इतना तरीके से हम चोरी करेंगे कि कोई हमको पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन हमारी एजेंसीज हैं, लगातार काम कर रही हैं। अगर किसी को इस पर शिकायत है तो न्यायालय में जाके अपनी बात को कहें और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। देश में जो भी भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। सर, उत्तर प्रदेश में लगभग लोकसभा सीटें कितनी, 80 के आसपास में कितनी सीटें बात कराएगी? भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि 80-80 लोकसभा सीट हम जीतेंगे। और जिस तरीके से विपक्ष पूरी तरीके से फेल होता चला जा रहा है, जिस तरीके से उन्होंने गठबंधन बनाया और उसके बाद गठबंधन के साथियों से समाजवादी पार्टी के लोगों ने बात तक नहीं की और उन्होंने सीटों को डिक्लेयर कर दिया। कांग्रेस को उम्मीद थी लखीमपुर उनको मिल जाएगी सीट, कांग्रेस को उम्मीद थी कि फर्रुखाबाद उनको सीट मिल जाएगी, सलमान खुर्शीद को लड़ा लेंगे, लेकिन वहाँ पर भी इन्होंने अपने कैंडिडेट्स खड़े कर दिए। साथ ही साथ यहाँ तक कि उन्होंने अपने चचा का भी ध्यान नहीं रखा। चचा को उम्मीद थी कि हमको फिरोजाबाद की सीट मिल जाएगी, हमको मैनपुरी की सीट मिल जाएगी, उन सीट्स पर भी अखिलेश जी ने कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं। तो ना तो वहाँ कांग्रेस के लिए कुछ बचा है, ना चचा के लिए कुछ बचा है, सब कुछ शून्य है। अब सब कुछ खचाखच भरा हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही है और कुछ नहीं है। सर, जैसे उन्होंने कहा अखिलेश जी ने कि न्याय यात्रा में बड़े कार्यक्रमों में मुझे आमंत्रित नहीं किया जाता, इसका क्या मतलब? देखिए, वो उनका इंटरनल मामला है कि किस तरीके से वो आमंत्रित करते हैं नहीं करते हैं। और जिस तरीके से अखिलेश यादव जी को कमलनाथ जी ने बेइज्जत करने का काम किया, अखिलेश बखिलेश कह के भी उनको अपमानित करने का काम किया, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, उसके बाद तो उनको समझ ही जाना चाहिए कि उनको कांग्रेस किस तरीके से देखती है, कांग्रेस नेता कितना सम्मान उनको करते हैं। इसके बाद भी वो उन चिपके हुए हैं तो वो अखिलेश जी अपना खुद परिस्थिति का आकलन करें, क्या जाने, लेकिन ये गठबंधन चलने वाला नहीं है। 24 से पहले लगता है टूट जाएगा? नहीं, 24 से पहले क्या, टूट ही चुका है वो गठबंधन, जहाँ पर कुछ बचा ही नहीं है। उन्होंने सीट अपनी डिक्लेयर कर दी तो उन्होंने मनसा स्पष्ट कर दी है कि सीट